गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 5 चालू हो रही है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 आप जब देखेंगे तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन नजर आएंगे, आप कर लेंगे अपने आप। अपन उसका टॉपिक बता देते हैं, वो एग्जांपल्स हैं ये आपके लिए। एक एपी आपको दे दी, आपको सारी चीज फाइंड करनी आनी चाहिए कौन सी चीज क्या है। तो सबसे पहले ए, ये फर्स्ट टर्म होती है, ए भी बोलते हैं इसे, और ए वन भी कहा जाता है इसको। ए प्लस डी कहते हैं इसको, ए प्लस टू डी इसको, ए टू भी कहते हैं। बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाय ए टू आंसर। आपसे बोला कॉमन डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाय डी, ए टू माइनस ए वन, सेकेंड वाली टर्म में से फर्स्ट को माइनस, 5 माइनस 2 3, या ए 3 माइनस ए 2 भी होता है, पीछे वाली में से आगे वाली को माइनस। तो ए आ चुका है आपको, डी निकालना आ गया। एक और देख लीजिए एग्जांपल सेकंड, 3 7 11। अब आप देखेंगे तो इसकी फर्स्ट टर्म बताइए क्या होनी चाहिए। जैसे इसमें फर्स्ट टर्म क्या लिखी थी हमने, 2, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, 3। डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड वाली में से फर्स्ट को माइनस, कॉमन डिफरेंस 4, चाहे 11 माइनस 7 करेंगे तो भी 4, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम होगा, कॉमन डिफरेंस कभी भी डिफर नहीं होगा, सेम आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, 3 5 7 9, किसी भी एपी के लिए मिनिमम 3 टर्म होना मस्ट अनिवार्य है। अब इसमें आप ए देखेंगे तो ए कितना आ रहा है, 3, डी देखेंगे 5 माइनस 3 2, कोई बच्चा 7 माइनस 5 2 करेगा वो भी राइट, 9 माइनस 7 2 राइट, डी ऑलवेज इक्वल आएगा, डी इक्वल आएगा तभी वो एपी होगा। और अगर डी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा इट मींस वो एपी ही नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमने एग्जांपल बता दिए, अब इससे रिलेटेड आपका फार्मूला बताते हैं। आप 5.1 करोगे तो आपको इजी गोइंग हो जाएगी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखना, इन केस आपको नहीं आता है तो अपन नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। अब इसके फार्मूले पर आते हैं, आसपास से कहीं आपको मिल जाए, सेकंड हैंड या बाजार में है, एनसीईआरटी कोर्स है तो वो जल्दी से जल्दी अरेंज करें। एक एग्जांपल है 1 4 7 10, और यहां आपसे बोल दिया 20th टर्म। अब आप देख रहे होंगे इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये आप एजुकेट जान चुके हैं, मैं ऑलरेडी आपको 8-10 एग्जांपल कल दिए थे और आज भी 2 दिन आपको एग्जांपल ही दिए जा रहा हूं। फर्स्ट टर्म, पहली पहली टर्म आई थिंक सबको आती होगी, वो
किसी भी एपी का जो फर्स्ट वाला नंबर है उठा के रख दो, ए हो गया। कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस, मतलब ए टू माइनस ए वन, फोर माइनस वन थ्री, ये भी सबको आ गया होगा समझ में। ये जिसपे टी एच लगा रहता है 20th, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट होगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो 20 जो लिखा है वो एन, तो एन भी आ गया, ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो एन फार्मूले का फार्मूला बनता है nth टर्म का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फार्मूला है। अब आज में आप देखेंगे इसमें सारी चीज आप जानते हैं, ए आपको पता है, एन भी आपको पता है 20 है, और डी भी पता है आपको 3। इस पे रख दीजिए और इसकी एन टर्म निकल जाएगी 20th टर्म, मतलब जब हम इसको चलते 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 जाएंगे तो उसकी 20th टर्म क्या होगी वो हम वैसे कैलकुलेट करें और उस फार्मूले से डायरेक्ट आ जाएगी। पुट करके देखते हैं वैल्यू, एन के प्लेस पर 20, ए के प्लेस पर 1, अगेन एन के प्लेस पर 20 माइनस 1, और डी के प्लेस पर 3, 1 प्लस 19, 20 में से बन गया। पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, कुछ बच्चे ऐड कर देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, रॉन्ग, बोर्ड मास रूल लगता है। पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, देन मल्टीप्लाई होगा और देन ऐड होगा। इस फार्मूले को सही से अप्लाई भी करना है। 1 प्लस 57, 58 इज करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल हो और देखिए ग्राफ तो अपने आप आ जाएगा। 3, 8, 13, और ये आपसे बोल रहा है अब 14th टर्म, 14th टर्म आपको फाइंड करनी है। अब आपको सारी चीज निकालनी आ गई होगी इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8 माइनस 3 5, ए और डी आ गया आपको, 8 में से 3 गया 5, एन की वैल्यू 14, तो ए एन आपका क्या निकल के आया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ए की वैल्यू 3, एन की 14 माइनस 1, डी 5, 13 इंटू 5, जितने आप करेंगे आपका हौसला उतना बढ़ेगा। 4, 7, 10, 15 टर्म, ये 3 आप कर लीजिएगा और एग्जाम्पल हो गए। आज की क्लास यही खत्म होगी। ओके बाय, गुड बाय, नाइस डे।